हम सरकार से यही अपील करेंगे कि हमारे पिताजी को संत गुरमीत राम रहीम डॉक्टर एमएस जी को जितना हो सके जल्दी से जल्दी संगत में भेजा जाए डेरा सच्चा सौदा के अंदर। और महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई, उनसे बातचीत करने वाले और जानने वाले समाज के हाल के बारे में। नमस्कार जी, आपका नाम? राजरानी इंसा। कहाँ के रहने वाले हो? हम जी दिल्ली के रहने वाले हैं। दिल्ली के रहने वाले, आप ये बताइए कि आज समाज में किस तरह का माहौल है? समाज में तो वैसे बहुत गंदा माहौल है, लेकिन डेरे सच्चे सौदे का तो बहुत ही अच्छा माहौल है। बाहर समाज का तो इतना गंदा है ना, कह नहीं सकते हम। समाज में किस तरह की गंदगी की आप बात कर रहे हैं? समाज में ये गंदगी है कि हर, देखो आप, हर जगह मतलब बच्चियों के हाथ रेप हो रहा है और नशे बढ़ चुके हैं, वेश्यावृत्ति बढ़ चुकी है और बहुत बुरा हाल हो पड़ा। जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। लेकिन आज देखो 26 जनवरी कल है और आज सारी संगत अपने सदगुरु से मिलने के लिए आई है, जनवरी का भंडारा मनाने के लिए आई है, ना कि 26 जनवरी देखने के लिए गई है। हम तो ये चाहते हैं कि बस हम यहाँ पे डेरे से जुड़े ही रहें और हम यहाँ पर हमेशा आते रहे। हमारे पिताजी बस फटाफट आ जाए, अपने जिस मिशन पे गए हैं मिशन पूरा करके हमारे सदगुरु हमारे साथ वापस आ जाएं बस। और हम चाहते हैं कि हमारे पिताजी को जो लोग गलत कहते हैं, जो गलत समझते हैं, उनको क्या पता वो गलत ना थे, ना है, ना कभी होंगे। वो सच थे, सच है, सच ही रहेंगे। वो रब खुदा है, वो सदगुरु प्यारा है, अल्लाह गॉड खुदा है। वो ऐसा वैसा इंसान नहीं है, वो सदगुरु है। वो पूरे नूरी स्वरूप से आया हुआ है, अपनी ताकत के साथ आया पूरी, वो उसके हुक्म के अनुसार आया। उसको किसी की जरूरत नहीं, पहले थी ना आज ना आज होगी। उसको तो सिर्फ अपनी संगत से प्यार है, अपनी संगत के लिए है वो जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बनी थी दफेक्टाई के साथ, आप भी देखती थी दफेक्टाई। धन्यवाद।